हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। आज हम पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स जो लास्ट क्लास हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी से ही जुड़ा हुआ है। बट जब आप कोई भी मोटर्स पढ़ने के लिए हम जाते हैं तो मोटर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हमको चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और दूसरा, स्पीड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें आउटपुट में ये मैकेनिकल पावर देता है और मैकेनिकल पावर जो लोड को ये डिलीवर करता है मोटर्स, कोई भी मोटर हो, अगर उसका हमें सूटेबल स्पीड कंट्रोल नहीं हुआ या फिर हमने उसे गति नियंत्रण अच्छे से नहीं दिया तो हमारा जो ऑपरेशन है वो कोई मोटर का जो एप्लीकेबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगा। भाई अगर कोई मोटर स्पीड उसकी कांस्टेंट है या उसकी स्पीड कंट्रोल बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, तो हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे, उसको अलग अलग जगहों पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उस मोटर को वहाँ नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए स्पीड कंट्रोल इज़ अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द मोटर ऑपरेशन। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले स्पीड कंट्रोल के लिए आपको एक इक्वेशन जो है वो याद रखना है जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज़ एन इज इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाई। अब आपको ये याद होगा ये कौन सा समीकरण है, ये इक्वेशन जो है, ये जो समीकरण है वो ई बी इज इक्वल्स टू फाई जेड एन पी अपॉन 60A वाला इक्वेशन है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने Z, P और 60A इन सबको क्या ले लिया, इन सबको क्योंकि ये कांस्टेंट है इन सबको K से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, EB इज इक्वल्स टू फाई एन के, बस इतना ही बचा। अब K और फाई, EB को हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस आई आर ए या VT माइनस आई ए आर ए लिख सकते हैं, और इसके नीचे ये दोनों आ जाएंगे, दैट इज़ फाई इंटू एन फाई इंटू के सॉरी, तो ये हो जाएगा N। अब हमें ये जो इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन कैसे आया वो मैं आपको बता दिया। ये जो इक्वेशन आया है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये के तो कांस्टेंट है, चलिए के का तो यहाँ कोई अर्थ नहीं, बट फाई वी एंड आई ए आर ए इज अगेन अ कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड दिस फ्लक्स दिस कांस्टेंट इज जिसमें कि आपका नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, नंबर ऑफ पोल्स हैं, आर्मेचर के कंडक्टर्स के बारे में है, और ये क्या है आपका पैरेलल पाथ है। तो ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज आपके कांस्टेंट है, तो के से रिप्लेस हो गया तो वेरी नहीं होगा। बट वेरी कौन कौन से होंगे, फ्लक्स वेरी होगा, वोल्टेज वेरी होगा और आर्मेचर का करंट वेरी होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम चेक करके, इन सारे चीज़ों को वेरी करा के हम इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो इसी इक्वेशन के बेस पर हम क्या करेंगे, आगे जो हमारा स्पीड कंट्रोल मेथड्स हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड है, जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, दैट मेथड इज़ कॉल्ड आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। आर्मेचर रेजिस्टेंस का आप सभी को पता है आर ए, ठीक है। अगर आप आर ए को नियंत्रित करेंगे तो आपका क्या होगा, वी ये वाला न्यूमरेटर नियंत्रित होगा, ठीक है, अगर इस इक्वेशन की बात करें, और उससे स्पीड भी कंट्रोल होगी। अब कैसे होगी ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक दो डायग्राम आपके लिए बनाता हूँ फॉर द शंट मशीन्स। शंट मशीन के जो रेजिस्टेंस को हमको क्या करना है, वेरी कराना है, उसके लिए ये वाला एक डायग्राम है, और ये जो नोमेनक्लेचर है दैट इज़ प्लस माइनस एंड बी टी टर्मिनल वोल्टेज, ये आपका आर्मेचर हो गया, यहाँ बैक ईएमएफ होगा और रेजिस्टेंस होगा आर ए, यहाँ पर आर एस एच शंट फील्ड रेजिस्टेंस हमको पता है, और ये जो हम लोगों ने लगाया अभी दैट इज़ नोन एज रियोस्टेट और वेरिएक, और इसी वेरिएक को हम आरी बोल रहे हैं। आरी जो है वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दैट इज़ चेंज्ड, वेरिएक मतलब आपका
एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको वेरी करा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको याद होगा जब यहाँ से करंट, लोड करंट इनपुट होती है तो ये लोड करंट दो भाग में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़ आर्मेचर करंट वाला जो भाग है एंड सेकेंड इज़ द शंट फील्ड। अब हमको पता है कि टर्मिनल वोल्टेज और ये आर्मेचर और ये शंट फील्ड, ये तीनों क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होने के कारण यहाँ पर मतलब आरएसएच के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो टर्मिनल वोल्टेज ही आएगा। एंड टर्मिनल वोल्टेज इज फिक्स्ड वोल्टेज बिकॉज ये सप्लाई वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं और रेजिस्टेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो आईएसएच का जो वैल्यू है ये यहाँ पर क्या हो जाता है, लगभग ये कॉन्स्टेंट रहता है, ये हमको पता है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोलते थे, फ्लक्स को कॉन्स्टेंट बोलते थे, अगर आपको याद होगा। तो जब ये करंट यहाँ से कॉन्स्टेंट हो गई तो अब आप अगर इस फील्ड पर, मतलब अब हम आर्मेचर वाले टर्मिनल पर आते हैं, यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर का जो इस वाले पॉइंट का, अगर मैं इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी बोलूँ, तो यहाँ पर पॉइंट ए टू बी यहाँ तक का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर ई, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डाइवर्टर रेजिस्टेंस, या फिर इसको आप सीरीज रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए। तो अब जो भी परिवर्तन हम आर ई में करने वाले हैं उसके कारण आई ए की वैल्यू क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। और इसी से ही हम क्या करेंगे, हमारे जो वोल्टेज ऑफ वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है उसको हम देखेंगे कि कैसे उसमें बदलाव होता है, ठीक है। और अगर हम इसको, इसी चीज़ को हम सीरीज़ मोटर के लिए देखें तो वहाँ पर भी इसे लगाया जाता है, बट वहाँ पर जस्ट अ सिंपल अरेंजमेंट है, क्योंकि सीरीज़ वाले केस में आप जानते हैं कि केवल एक ही पॉइंट हमारे पास होता है और वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हमने क्या किया, हमने प्लस माइनस वी टी ले लिया और यहाँ पर लगा दिए हम सीरीज़ रजिस्टर दैट इज़ आर ई, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो अब जो भी करंट यहाँ से जाएगी आई, वो आर ई को वेरी करा के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर का जो आई ए है दैट इज़ आई और आई ए जो भी बोलिए उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें वेरिएशन कैसे होगा और किस तरह से हम इसके वैल्यू को घटा बढ़ा करके स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो सपोज हमने लिया कि द वैल्यू ऑफ आर ई का मान हमने क्या लिया, ज़्यादा लिया, बढ़ाया। तो जब आर ई का मान बढ़ेगा तो मोटर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इसको हम लोग को जानना है। तो जब आर ई की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी, तो जब ये वैल्यू बढ़ेगी मतलब यहाँ का करंट का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कि आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो आई की वैल्यू घटेगी, और जब आई की वैल्यू घटेगी यहाँ पर, तो जो हमारा इक्वेशन था दैट इज़ वी माइनस आई ए इंटू आर ए, तो यहाँ पर क्या होगा, आई ए की वैल्यू घटेगी। अब जब आई ए की वैल्यू घटेगी तो ये जो टोटल टर्म है ये कम होगा, और ये जब टोटल टर्म कम होगा तो वोल्टेज का जो वैल्यू है यहाँ पर, मतलब अगर हम ओवरऑल न्यूमेरिकल न्यूमरेटर की बात करें दैट इज़ वी माइनस आई ए आर ए, आर ई बढ़ा तो आई ए का वैल्यू कम हुआ, जब आई ए का वैल्यू कम होगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एन इज़ प्रोपोर्शनल टू है दैट इज़ वी माइनस आई ए आर ए, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि आर ई की वैल्यू बढ़ने से स्पीड की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट करेंगे कि जब आर ई की वैल्यू कम होगी, यहाँ पर की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल यहाँ का रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम होने से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, जब करंट की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी तो क्या होगा, ये ओवरऑल ये जो टर्म है ये बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज से उतना टर्म माइनस होगा, तो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। शायद नोट्स में उल्टा भी लिखा गया होगा, आप एक बार चेक कर लेंगे, नोट्स से अपने मिला लेंगे, जो आपको नोट्स मिलेगा उससे, और बुक से एक बार कंफर्म और कर लेंगे, बट आई एम श्योर कि यही आपके लिए सही है। और अगर सीरीज़ मोटर्स की बात करें तो यहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं है, जब आपके आर ई का वैल्यू बढ़ेगा
तो रेजिस्टेंस जब भी बढ़ेगा करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू जब यहाँ कम होगी तो वी टी का ओवरऑल न्यूमरेटर बढ़ेगा, और जब ओवरऑल न्यूमरेटर बढ़ेगा तो स्पीड का मान भी बढ़ेगा। जब आर ई की वैल्यू कम होगी, आर ई की वैल्यू कम होने से क्या होगा, करंट विल बी हाई, जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको समझना है। आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल क्यों बोले, हम यहाँ पर इस वाले आर्म का, इस आर्मेचर वाले आर्म का क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, और उसी से ही क्या हो रहा है, हमारा स्पीड कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए इसको आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड कहा जाता है। अब हम चलेंगे अपने सेकेंड मेथड की ओर। सेकेंड मेथड इज फील्ड फ्लक्स वेरिएशन, या फिर इसी को वेरिएशन इन द फील्ड फ्लक्स भी बोलते हैं, फील्ड फ्लक्स वेरिएशन। अब इस वाले मेथड में क्या करेंगे, हम एक फील्ड जो वाइंडिंग है हमारी उसमें जो फ्लक्स डेवलप होता है उसको हम क्या करेंगे, चेंज करके स्पीड वेरिएशन करेंगे, स्पीड कंट्रोल करेंगे, और क्षेत्र मतलब जो हमारी फ्लक्स फील्ड है उसमें जो जो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे लगेगा दोनों ही मोटर्स के लिए। सबसे पहले शंट के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ, तो शंट के लिए सिंपल सा आपका ये बन गया आर्मेचर, और यहाँ से जो डाइवर्टर, जो डाइवर्टर नहीं बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसकी वैल्यू। तो ये हो गया हमारा प्लस एंड माइनस वी टी, और ये हो गया आर ए, यहाँ पर जो है वो शंट फील्ड रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इसको आर सी हम ऐसा बोल रहे हैं, एक नाम दे दिए इसको, यही वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ई बी जो है वो बैक ईएमएफ जनरेट हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लगाए हैं ये शंट के साथ सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, और इसे शंट फील्ड रेगुलेटर कहा जाता है, क्योंकि ये स्पीड वेरिएशन को क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो ये रेगुलेट कर रहा है, इसीलिए इसको शंट फील्ड रेगुलेटर कहा जाता है, ठीक है। और करंट के अगर चेंज होगा, मान लीजिए फील्ड में करंट में कोई चेंज आता है तो फ्लक्स की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, और उसी के हिसाब से क्या होने लगेगा, आपका स्पीड जो है वो वेरी करने लगेगा, ठीक है। और अगर हम इसको सीरीज मोटर के लिए बनाएं तो सीरीज मोटर्स के लिए इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए सीरीज मोटर में जो हम रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं उसे हम यहाँ सीरीज डाइवर्टर कहते हैं। डाइवर्टर शब्द जो है वो इंग्लिश का शब्द है, जिसका मतलब होता है कि करंट को क्या करना, डाइवर्ट करा देना, बांट देना। तो यहाँ पर प्लस एंड माइनस वी टी, ये हो गया सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, ये हो गया आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, बैक ईएमएफ, और यहाँ पर जो लगाएंगे हम आर, इसको डी ई बोलेंगे क्योंकि इसको डाइवर्टर रेजिस्टेंस कहा जा रहा है, या आर डी इसको बोलिए, ई तो हटा दीजिए, आर डी बोलिए, ठीक है। तो जो डाइवर्टर रेजिस्टेंस है हमारा, दैट इज वही यहाँ पर काम करेगा। अब क्योंकि हमको पता है कि सीरीज मोटर में केवल एक ही करंट फ्लो होती है, और इसी यही करंट फील्ड में जाएगी, यही करंट आर्मेचर में आती है, तो यहाँ पर अगर हमें वैरी कराना है तो हम सीरीज में कुछ भी चीज़ लगाएंगे तो करंट वैरी नहीं होगी। बट यदि हम उसको डाइवर्ट कर दें और उसको दूसरे रेजिस्टेंस से पास कराएं तो वहाँ पर वेरिएशन हमको दिखेगा। तो देखते हैं कि जो डाइवर्टर है वो कैसे यहाँ पर काम करता है, किस तरीके से वो क्या करेगा, फील्ड फ्लक्स को वेरी कराएगा, क्लियर है। तो शंट फील्ड वाले में ये जो मेथड है ये उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, बट सीरीज में ये खासकर एप्लीकेबल है। तो शंट फील्ड में आपको सीधा से सीधी सी बात ये है कि जब आरसी की वैल्यू में वेरिएशन होगा तो यहाँ पर जो शंट फील्ड में जो करंट आईएसएच जा रहा था उसकी वैल्यू में वेरिएशन होगा, और जब शंट फील्ड करंट में वेरिएशन होगा तो फील्ड के फ्लक्स में होगा, और फील्ड फ्लक्स फ्लक्स का रिलेशन अगर आप देखें तो हमारा जो स्पीड है उससे जो फ्लक्स है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ याद रखना है यहाँ से, बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब फील्ड फ्लक्स का जो वेरिएशन है, फील्ड के फ्लक्स में जो वेरिएशन है
ये स्पीड के साथ में कैसा होगा, ये स्पीड के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने अभी देखा था। तो इसी के हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि यदि फील्ड के करंट में कमी आती है तो फील्ड के फ्लक्स में कमी आएगी, फील्ड के फ्लक्स में कमी आएगी तो स्पीड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम चीज अगर फील्ड करंट हम रेजिस्टेंस को क्या करें, कम कर दें, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, फ्लक्स की वैल्यू जब बढ़ने लगेगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्पीड कम होने लग जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सीधा सा ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम सीरीज मोटर्स की। यहाँ पर थोड़ा सा काम दूसरा है। जब हम सीरीज मोटर की बात करें तो ये करंट जो है वो यहाँ पर आ करके दो भागों में बंटता है। एक करंट जो जाएगा वो हमारे सीरीज बाइंडिंग की से जाएगा और एक हमारा डाइवर्टर करंट होगा। तो जो जब हम डाइवर्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे, सी ये दोनों क्या बना लिए, ये दोनों एक पैरेलल पाथ बना लिए, तो आपको पता है कि जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वहाँ करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी मतलब। तो जब हम डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो डाइवर्टर करंट की वैल्यू हाई, डाइवर्टर करंट की वैल्यू हाई तो यहाँ पर सपोज आई की वैल्यू आ रही थी 5 यूनिट, तो यहाँ पर मान लीजिए डाइवर्टर करंट ज़्यादा है मतलब ये 4 यूनिट कंज्यूम करेगा, तो ISC तो 1 ही यूनिट जाएगा, एक्स्ट्रा तो करंट कहीं से आएगी नहीं, तो 1 यूनिट होने के कारण यहाँ का फ्लक्स जो है वो कम बनेगा। अब जब फ्लक्स कम बनेगा तो हमको पता है कि जो सीरीज मोटर है उसमें जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, क्लियर। और जब हमारा ये जो वेरिएशन हमको दिखता है, यहीं से हम बता सकते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू डायरेक्टली कम हो रही है, तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये हमने देखा अभी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं RD जो कि डाइवर्टर रेजिस्टेंस, इसको बढ़ाता हूँ। जब डाइवर्टर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू का मान लीजिए 3 यूनिट, तो यहाँ से कितनी जाएगी 2 यूनिट, फ्लक्स का मान क्या हुआ, बढ़ा। डाइवर्टर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डाइवर्टर करंट कम होगा, फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, सॉरी फ्लक्स का मान यहाँ बढ़ेगा क्योंकि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग में ज़्यादा करंट जाएगी, तो जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, क्लियर, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में है। तो ये जो दो मेथड्स थे, जो दो हमारे एस्पेक्ट हैं किसी भी DC मोटर्स की बात करें, तो वन इज द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, एंड वन इज योर आर्मेचर। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, कंट्रोल करा लिया, दोनों साइड से कंट्रोल देख लिया। मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल किया, आर्मेचर में आर्मेचर रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया, और फील्ड उसके हिसाब से हमने क्या किया, हमने वेरिएशन किया हमारे स्पीड पर। अब एक थर्ड मेथड है, और इस थर्ड मेथड का नाम है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो N इज इक्वल्स टू V-IA RA / K5। हमने क्या क्या यूज़ कर लिया, हमने IA RA यूज़ कर लिया, हमने फाई यूज़ कर लिया, ये इसका तो कोई यूज़ है ही नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए जो मेथड ये है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है ऑफ स्पीड कंट्रोल, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट पहले हम इसका डायग्राम्स देख लेते हैं। इसका जो डायग्राम है वहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें 3 फेज AC सप्लाई, एक AC मोटर की यहाँ आवश्यकता होगी। ये AC मोटर हमारे जनरेटर से कनेक्ट होगा, जो कि एक क्या है, DC जनरेटर है, क्लियर। और फिर आगे ये कहाँ जाएगा, तो ये जो हमारा किस में जा रहा है, ये हमारे मोटर में जा रहा है। तो यहाँ पर आप ऑन एंड जो आप देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक मोटर और जनरेटर का सेट लगा हुआ है, क्लियर। लेकिन ये मोटर और जनरेटर आपस में कनेक्ट नहीं है,
बट दे आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड और यहाँ पर एक लगा हुआ है लोड, क्लियर। और यदि मैं इस डायग्राम को और आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे इनके फील्ड्स को और यहाँ पर लगा रहेगा डाइवर्टर्स, सेम यहाँ पर भी। और इनमें फिर अब हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो ये थ्री फेज एसी सप्लाई यहाँ लिया गया है, ये मोटर एसी मोटर है, क्लियर। देन अगर ये जनरेटर हो गया हमारा डीसी जनरेटर, ये हो गई हमारी डीसी मोटर, प्लस एंड माइनस डीसी वोल्टेज यहाँ देगा वीटी, मोटर जो है वो लोड को क्या करेगी, चलाएगी, ड्राइव करेगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सप्लाई दिया जाएगा प्लस एंड माइनस, और यहाँ पर भी प्लस एंड माइनस, यहाँ पर जो फील्ड होगा ये जनरेटर फील्ड करंट एंड दिस इज़ द मोटर फील्ड करंट IFM। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इसे MG सेट मोटर जनरेटर सेट कहा जाता है, ये एक मोटर हुई और ये जनरेटर हुआ MG सेट, और यहाँ से यहाँ तक को अगर आप देखें लोड तक के, जो हमारा लोड टर्मिनल तक है, ठीक है, ये लोड के टर्मिनल तक की बात कर रहा है, मतलब इस पॉइंट तक की बात कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, DC ड्राइव मोटर, ये ड्राइव मोटर कहलाती, ड्राइव इज नथिंग बट अ स्पीड कंट्रोल इक्विपमेंट, ठीक। अब चलिए इसका जो वर्किंग है वो देख लेते हैं। जो शंट मोटर जिसका हमें स्पीड कंट्रोल करना है उसको यहाँ दिखाया गया है, जो कि लोड को चलाएगा, इसको यूज़ करने के लिए जो M है, ये जो M है हमारा, ये मेन मोटर है जिसका हमें स्पीड कंट्रोल करना है। सेकंड, यहाँ पर एक जनरेटर लगाया गया है जो कि सेपरेटली एक्साइटेड है, देखिए ये इसके फील्ड जो है वो सेपरेट है, इसलिए सेपरेटली एक्साइटेड हुआ। और जो हमारी मोटर के बाद जो जनरेटर लगा हुआ था, इस जनरेटर को कौन ड्राइव करेगा, एसी मोटर, जो कि एक थ्री फेज एसी मोटर है, इट में बी इंडक्शन मोटर और एनी अदर, बट आपको ये चीज़ नहीं जानना है, बस आपको ये याद रखना है कि इट विल बी एन एसी मोटर। और इसी तरह से जो मोटर जनरेटर सेट है उसको हम देख रहे हैं कि ये जो एसी मोटर है और ये हमारी जनरेटर, ये कपल्ड है, इसका मतलब इनके बीच कपलिंग है, मोटर चल करके इस जनरेटर को ड्राइव करेगा, और जब ये जनरेटर चलेगा तो यहाँ से डीसी सप्लाई जनरेट होगी, उसी डीसी सप्लाई को हम कहाँ पुट करेंगे, हमारी मोटर में, और हमारी मोटर क्या करेगी, लोड को चलाएगी जिसका हमें स्पीड कंट्रोल करना है। तो अब देखते हैं कि कैसे करेगा। सबसे पहले जो जनरेटर की जो फील्ड है यहाँ पर, उसको क्या करेंगे हम, उसको वोल्टेज को क्या करेंगे, वेरी कराएंगे, ठीक है। उसकी फील्ड को अगर आप वेरी कराओगे, यहाँ पर के करंट को अगर आप वेरी कराओगे इस डाइवर्टर की, इस वेरियक की सहायता से, तो इसके फ्लक्स में कमी आएगी, फ्लक्स के कारण जनरेटर का क्या होगा, जो वोल्टेज जनरेट ये करेगा उस पर वेरिएशन होगा, और जब इस वोल्टेज पर वेरिएशन होगा तो हमें यह पता है कि यही वोल्टेज किसको दे रहे हम, अपनी डीसी मोटर को, जिसका हमें वोल्टेज कंट्रोल, जिसका स्पीड कंट्रोल करना है। तो वोल्टेज में परिवर्तन होने के कारण मोटर की स्पीड में क्या होगी, कमी आएगी या गति में परिवर्तन होगा, और इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मोटर की गति को घटाया बढ़ा सकते हैं बाय चेंजिंग द फील्ड करंट ऑफ द जनरेटर, और जनरेटर की फील्ड को हम बदल करके अपनी मोटर की गति को क्या कर सकते हैं, घटाया बढ़ा सकते हैं। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपने इनडायरेक्टली क्या किया है, इस मोटर के इनपुट वोल्टेज को क्या किया है, वेरी करा दिया है। जो इनपुट वोल्टेज हम क्या मान रहे थे, एक कांस्टेंट मान के चल रहे थे, यहाँ पर ये वोल्टेज ही क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। तो एज सपोज एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, बाकी सबको हम मान लेते हैं कि कॉन्स्टेंट है, तो जैसे ही वोल्टेज में कमी आएगी स्पीड में भी कमी आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। तो सीधा सा ये फंडा हम यहाँ लगा दिए, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल कह रहे हैं। तो आई थिंक ये तीनों मेथड आपको क्लियर हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो।
तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आज की इस क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कीप लर्निंग, बी हैप्पी ऑलवेज. थैंक यू वेरी मच.